फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो आज झेलम लॉन में चल रहा है, इस दौर में चल रहा है, जिस दौर में लोकतंत्र की एक अटैक चल रही है, इस दौर में चल रहा है जब एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेरेंस चल रहा है जेएनयूएसयू चुनाव में। लेकिन ये जेएनयूएसयू की लेगेसी की ताकत सिर्फ नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है कि ये आज फेस्टिवल यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक इलेक्शन कमीशन है हमारा जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं झुका है और तमाम रुकावट के बावजूद ये आज यहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम आयशी घोष है और मैं सेंटर फॉर इनर एशियन स्टडीज SIS की छात्र हूँ और इस जेएनयूएसयू चुनाव में सेंट्रल पैनल की प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार हूँ यूनाइटेड लेफ्ट पैनल के तरफ से। और आज ये हमें आके राष्ट्र
जिंदाबाद के गीत गाते हैं। ये जब जो बेरोजगार इस देश में बढ़ रहा है, किस तरीके से ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए, जो जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और उसके बाद MTNL और BSNL जैसे गवर्नमेंट संस्थाओं को नीलामी पे दे देते हैं। इसके बाद देखिए, हो सकता है कल, हो सकता है दोस्तों कल कि इस देश का नाम भी बदल के रिलायंस जियो इंडिया कर दिया जाए। और ये ऐसे लोग हैं जो अपने यारों दोस्तों नीरव मोदी से लेके विजय माल्या से हमारे सरकारी बैंक को लुटवाते हैं, उसके बाद इनका मन नहीं भरता है। मन नहीं भरने से मोदी खुद उतर जाता है मैदान में कि RBI का जो खजाना है उस पे डाका डालना है। तब भी जब इनका मन नहीं भरता है, तब आज बोल रहे हैं जो बचे कुचे सरकारी बैंक है हमारे पास, उनका अस्तित्व खत्म कर देते मर्जर के नाम पे। एक तरफ ये भारत माता की जय बोलते है, दूसरे तरफ देश को टुकड़ों में बांट के उसकी नीलामी कर रहे। एक तरफ ये हर एक भारत माता की जय बोलते, एक तरफ ये 5 हवाई अड्डों को बेच के आ जाते हैं। मोदी का ये पूंजीवादी मानसिकता है जिसने आज कश्मीर के आवाम को किस तरीके से एक ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ पे चल रहा है। देखिए किस तरीके से आर्टिकल 370 को खत्म किया जाता है और आर्टिकल 370 के रूप में जो संविधानिक वादा उन आवाम से किया गया था उसको धोखे से खत्म किया जाता है। इस मन से कश्मीर में आवाम में लड़ रहे हो अपने हक के लिए, लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ और उनके साथ सॉलिडरी में खड़ी रहती हूँ। यही लोग है जो मनुस्मृति को अपने गले में टांग के झूमते हैं। यही वो लोग है जो कश्मीर की बात आती है तब उन महिलाओं के ऊपर ये गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं। और वो गंदी गंदी टिप्पणी करने वालों में से इनके छोटे से छोटे नेता से लेके CM से डिप्टी CM शामिल हो जाते हैं। ये वही लोग है जो सरकार में बैठे हुए है और पार्लियामेंट की मिसयूज कर रहे। सिर्फ पार्लियामेंट की नहीं, आज किस तरीके से देखिए CBI से लेके RBI, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन से लेके जुडिशरी को दबाया जा रहा है। ये लोग वही संघीय सरकार है जिनके अंडर में असम में 19 लाख से भी ज्यादा लोगों को रातों रात स्टेटलेस घोषित किया जाता है और इनको शर्म नहीं है। ये कम्युनल प्रोपेगेंडा इस देश में फैलाने की कोशिश करते हैं जिसमें एक्स प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार को भी बोला जाता है कि आप एनआरसी लिस्ट से बाहर हो। ये लोग को शर्म नहीं है इस देश में लिंचिंग किस तरीके से बढ़ रहा है। हम भूले नहीं है अखलाक को, हम भूले नहीं है जुनेद को, हम भूले नहीं है पहलू खान को और उन तमाम नामों को जो इनकी गंदी राजनीति के वजह से उनको मारा गया है। और इस देश में ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टंट करते हैं नाम लेने का। इनको बता देना चाहते हैं जब मैनुअल कैबेजिंग जैसे इन ह्यूमन एक्टिविटीज पे आप लोग क्राइम क्यों नहीं लगाते। मैं पूछना चाहती हूँ इन लोगों से, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे एक भीम मैप खोल कर लग देंगे लेकिन और पूरे देश में बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ते फिरेंगे। एक तरफ RSS के ये लोग है जो बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ते, दूसरे तरफ ये अंग्रेजों के एजेंट यहाँ पे बैठे है इस कैंपस में जो सावरकर की मूर्ति लगा रहे हैं इस कैंपस में। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है दोस्तों। देश में ये हालात देख के शायद ही हमें लगे कि उम्मीद नहीं है लेकिन हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि जब अंधेरा होता है तभी मशाल जलाए जाते हैं, जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए जाते हैं। और मैं कैसे कह दूं कि उम्मीद नहीं है जब इस देश में किसान नंगे पांव 5 दिन तक चलते हैं अपने आंदोलन को लेके। मैं कैसे कह दूं कि उम्मीद नहीं है जब इस देश के वंचित पिछड़े हुए तबके के लोग अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं कैसे कह दूं कि उम्मीद नहीं है जब इस देश के महिलाएं, युवा और छात्र अपने हक के लिए, मजदूर अपने हक के लिए इस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनके जो VC यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका हालत देखिए, वो किस तरीके से रोमिला थापर का CV मांग रहे हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। देखिए किस तरीके से वो एकेडमिक एक्सीलेंस पे किस तरीके से इस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे, जब से आए हैं सीट कट किए हैं, रिजर्वेशन कैटल किया है, कैश जैसे इंस्टीट्यूशन को खत्म किया है और ऐसा सेक्सुअल हैरेसर को आज भी डिफेंड कर रहे जिनके ऊपर 8 सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस है। दोस्तों इन लोगों को इस JNUSU चुनाव से
जेएनयूएसयू द्वारा ली स्ट्रगल था, जब हंगर स्ट्राइक के द्वारा ये प्रशासन को झुकना पड़ा उस प्रोस्पेक्टस को कम करवाने के लिए। जब यहाँ पे सीट कट होता है, यूजीसी गैजेट को अप्लाई किया जाता है, तब यहाँ पे जेएनयूएसयू एक स्ट्रगल लीड करता है 2 साल तक, और उसके बाद वहां से ड्रैकोनियन लॉज को हटाया जाता है। उसके बाद इस कैंपस में अटेंडेंस जैसे सिस्टम को आज तक भी ये वाइस चांसलर नहीं रिड्यूस लागू कर पाया है स्टूडेंट यूनिटी के वजह से और जेएनयूएसयू के स्ट्रगल के वजह से। आने वाले टाइम पे बहुत सारी लड़ाई है, बहुत सारी संघर्ष है, इस कैंपस को डिफरेंट एबल के लिए बैरियर फ्री एक कैंपस बनाना है। इस कैंपस में मेंटल हेल्थ की सपोर्ट की जरूरत है, जैसे हमने स्कूल में लाए है। इस कैंपस में इंजीनियरिंग और एमबीए स्टूडेंट की जो लाखों रुपए की फीस, उसको घटाने की जरूरत है। इस कैंपस में दामोदर में जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसको लाने की जरूरत है। इस कैंपस में जो हॉस्टल्स को बनवाए नहीं जा रहा है, और आज एनएसयू और एबीवीपी में आपाधापी हो रही है कि हॉस्टल